राजीव पॉल ने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के किरदारों में महारत हासिल की है। ये काफी समय से टेलीविजन इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, तो चलिए जानते हैं राजीव पॉल ने अब तक किन किन टीवी शोज और मूवीज में काम किया है। राजीव पॉल ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 1995 में की थी। इन्होंने सबसे पहले डीडी नेशनल के सीरियल रजनी में राकेश का रोल किया था। इसके बाद इन्होंने डीडी नेशनल के ही सीरियल स्वाभिमान में वाल्टर की भूमिका निभाई। सब टीवी के शो यस बॉस में रवि कुमार सक्सेना की भूमिका अदा करते नजर आए थे। इसके बाद ये दूरदर्शन के सीरियल अभिमान में भी स्पोर्टिंग रोल करते नजर आए। जी टीवी के सीरियल रिश्ते में इन्होंने केविन डिसूजा की भूमिका निभाई। जी टीवी के सीरियल आती रहेंगी बहारें में इन्होंने पैडी की भूमिका अदा की। इसके बाद ये सहारा वन के सीरियल जमीन से आसमान तक में भी दिखाई दिए। स्टारप्लस के पॉपुलर सीरियल कहानी घर घर की में इन्होंने देवेन गर्ग की भूमिका निभाई थी। स्टारप्लस के ही सीरियल सारथी में सतपाल चौधरी का रोल करते नजर आए। सब टीवी के सीरियल ट्विंकल ब्यूटी पार्लर लाजपत नगर में इन्होंने नियति के हस्बैंड का रोल किया। डीडी नेशनल के शो मेहर में शहजाद का रोल करते नजर आए। कलर्स के सीरियल मेरे घर आई एक नन्ही परी में भी इन्होंने स्पोर्टिंग रोल ही किया। डिस्ने चैनल के शो ईशान में इन्होंने एक स्कूल कोच की भूमिका निभाई। राजीव पॉल 8 सीरियल में भी मुरली संजय जैसे कई एपिसोडिक रोल्स में नजर आ चुके हैं। स्टार भारत के सीरियल जीजी मां में इन्होंने जयंत का रोल किया था। इसमें इनका रोल काफी अहम था। राजीव पॉल कलर्स के सीरियल ससुराल सिमर का सीजन 2 में गिरिराज ओसवाल का रोल करते नजर आते हैं। राजीव पॉल जिन शोज में एज ए कंटेस्टेंट नजर आए हैं वो शोज हैं बिग बॉस सीजन 6 और नच बलिए सीजन 1। अगर बात करें इनकी मूवीज के बारे में तो राजीव पॉल की मूवीज हैं लेवल 13 जिसमें कि इन्होंने आकाश का रोल किया था, एक शॉर्ट मूवी थी। तो ये थे राजीव पॉल के अब तक के सभी टीवी शोज और मूवीज की लिस्ट। आपको इनका कौन सा सीरियल पसंद है हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।